इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग चैट जीपीटी को यूज करके पामिस्ट्री की जो अंदर लाइंस हैं, माउंट्स हैं या दूसरे फीचर्स हैं जो हाथ पर देखे जा सकते हैं, उनको इंटरप्रेट करेंगे विद द हेल्प ऑफ चैट जीपीटी। एंड वहाँ से हम लोग किसी भी इंडिविजुअल का जो कैरेक्टर है, पोटेंशियल है या फ्यूचर है, उसके बारे में हम लोग कोई एक इंसाइट जो है वो वी विल गेन, राइट। सो इन दिस वीडियो हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं वो डिस्कस कर रहे हैं चैट जीपीटी को पामिस्ट्री की अंडरस्टैंडिंग के लिए कैसे यूज कर सकते हैं ऐसे। और अगर माइनूटली इसको ऑब्जर्व करते हैं तो इसका जो पाथ है वो यहाँ से इस तरीके से, तो देखते हैं कि ये जो इंटरप्रिटेशन होगी ऑफ द जीपीटी, और अगर आपको ज्योतिष ये पामिस्ट्री आती है तो आप चेक करना कि इसका जो आंसर था वो ठीक है या नहीं है। तो लेट्स मूव टूवर्ड दी जो है वो चैट जीपीटी पर, और वहाँ देखते हैं कि अगर सबसे पहले देखते हैं कि सनलाइन अगर सेंटर प्लेस से निकलती है, यहाँ से निकलती है सेंटर प्लेस से अपने हाथ के, तो उसका मीनिंग क्या होगा। अगर ये लाइफ लाइन से जैसे अभी ये शेप ले रही है साथ में, तो यहाँ से निकलती है तो उसका मीनिंग क्या होगा। और कुछ और भी लाइन है जो कैरियर लाइन से ऊपर की ऊपर और उठ रही हैं ऐसे, तो वो माइनूट लाइन है, उनको हम डिस्कस नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ एक ये सन लाइन और भी है पैरेलल टू इस, और कुछ ब्रांचेज जो हैं ऊपर की साइड को ये निकल रहे हैं जो सन लाइन है, और यहाँ पे भी ये फोर्क की शेप में। तो ऐसा ये जो पॉइंट है इसको इंटरप्रेट करके देखते हैं कि जो चैट जीपीटी है वो पामिस्ट्री के बारे में क्या बोलता है। तो पहली लाइन क्या है कि जो आपकी कैरियर लाइन है, ये कैरियर लाइन है, ये कैरियर लाइन यहाँ पे फोर्क यहाँ हुआ है तो स्टार्टिंग में, तो इसका मीनिंग क्या होगा। और लाइफ लाइन का जो एंड है वो भी फोर्क हुआ है तो इसका मीनिंग क्या होगा। तो यहाँ सबसे पहले लाइफ लाइन के बारे में पूछते हैं कि इफ द लाइफ लाइन एंड्स एट टू फोर्क व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इट। तो यहाँ जो जवाब है, पहले तो ये लाइफ लाइन को इंटरप्रेट करेगा एक्चुअली जो जिस तरीके से इसका एल्गोरिदम डिजाइन किया है। तो लाइफ लाइन इज ए कर्व लाइन रन फ्रॉम द एज ऑफ द पाम नियर द थंब ऐसे करके, और किस चीज़ के बारे में लाइफ लाइन बताती है। लाइफ लाइन अगर टू फोर्क में समाप्त होती है एंड पर, तो इट मी इंडिकेटेड पोटेंशियल चेंज और शिफ्ट इन द पर्सन लाइफ पाथ और सर्कमस्टेंसेज। द फोर्क में रिप्रेजेंट ए डिसीजन और क्रॉस रोड्स दैट द पर्सन विल फेस विद ईच पाथ लीडिंग टू ए डिफरेंट आउटकम। दिस चेंज मे बी रिलेटेड टू द पर्सन हेल्थ कैरियर और पर्सनल लाइफ। द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ दिस पैटर्न कैन वेरी डिपेंड ऑन द लोकेशन ऑफ द फोर्क एंड अदर लाइन्स ऑन द पाम। इफ द फोर्क्स आर क्लोज टू द एंड ऑफ द लाइन एंड आर ऑफ इक्वल लेंथ एंड डेप्थ में इंडिकेट ए चेंज इन सर्कमस्टेंसेज दैट लीड टू ए न्यू बिगनिंग और अपॉर्चुनिटी। इफ द फोर्क्स आर फर्दर अप द लाइन एंड आर इवन इन साइज ऑफ डेप्थ, इट में इंडिकेट ए मोर डिफिकल्ट डिसीजन और ए पीरियड ऑफ अनसर्टेनिटी। तो अभी जैसे कि आप देख रहे थे, तो यहाँ और एक पॉइंट ये कि यहाँ सेंटर से अगर स्टार्ट होती है तो क्या होगा सनलाइन। इफ सनलाइन स्टार्ट्स फ्रॉम द सेंटर ऑफ द पाम व्हाट विल बी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इट। सनलाइन की एक्सप्लेनेशन बताई और सनलाइन का बता रहा है कि इफ़ सनलाइन स्टार्ट फ्रॉम द सेंटर ऑफ द पाम तो इट इज़ कंसिडर्ड टू बी ए वेरी ऑस्पिशियस साइन। दिस में इंडिकेट दैट द पर्सन हैज़ ए स्ट्रॉन्ग नेचुरल एबिलिटी टू लीड, टू बी क्रिएटिव और टू बी सक्सेसफुल इन दियर एंडेवर्स। द सनलाइन स्टार्टिंग फ्रॉम द सेंटर ऑफ द पाम में सजेस्ट दैट द पर्सन हैज़ ए डीप इनर ड्राइव और मोटिवेशन दैट फ्यूल्स दियर एम्बिशन। तो अब ये देखना होगा कि ये जो मीनिंग अभी चैट जीपीटी के थ्रू आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये कितना ठीक है और कितना गलत है, ये केवल वो ही बता सकता है जिसको पामिस्ट्री आती है, राइट। तो अगर आपको पामिस्ट्री आती है और ये इंटरप्रिटेशन जो चैट जीपीटी की है ठीक है, तो कमेंट करके बताएं कि इसने ये सही लिखा है जो इंटरप्रिटेशन है उस क्वेश्चन की, या गलत लिखा है।
दिस पैटर्न में ऑल्सो इंडिकेट दैट द पर्सन सक्सेस इज स्ट्रॉन्गली टाइड टू दियर ओन पर्सनल सेंस ऑफ पर्पज एंड फुलफिलमेंट दे मे हैव ए स्ट्रॉन्ग डिजायर टू मेक ए पॉजिटिव इम्पैक्ट इन दियर चूजन फील्ड और टू यूज दियर टैलेंट्स टू हेल्प अदर्स। तो एक तो पॉइंट ये इसने यहाँ बताया है। अब दूसरा पॉइंट ये है कि अगर ये लाइफ लाइन से ऐसे यहाँ से स्टार्ट होने की कोशिश कर रही है ये सन लाइन, तो इसका मीनिंग क्या होगा? तो इफ़ सन लाइन स्टार्ट्स फ्रॉम द लाइफ लाइन तब क्या होगा? अगर ये ऐसा है देन व्हाट इज इट मींस? तो देख लेते हैं कि अभी ये क्या इंटरप्रेट करेगा। तो इफ द सन लाइन स्टार्ट्स फ्रॉम द लाइफ लाइन देन व्हाट इज इट मींस? सन लाइन को पहले इसने बताया कि क्या है और उसका मीनिंग क्या है, कहाँ पे उसका इम्पैक्ट आता है, राइट? तो दिस पैटर्न में आल्सो इंडिकेट दैट द पर्सन हैज ए स्ट्रॉन्ग वर्क एथिक एंड ए डीप इनर ड्राइव टू सक्सीड। दे मे बी हाईली मोटिवेटेड टू अचीव दियर गोल्स एंड मे हैव ए क्लियर सेंस ऑफ डायरेक्शन इन दियर चूजन पाथ। अगर सन लाइन स्टार्ट फ्रॉम द लाइफ लाइन इन केमिस्ट्री, तो अल्टरनेटिवली द सन लाइन स्टार्टिंग फ्रॉम द लाइफ लाइन मे इंडिकेट दैट द पर्सन हैज एक्सपीरियंस ए सिग्निफिकेंट शिफ्ट और चेंज in their life path that has led to a new found sense of purpose and direction. Sunline starting from the lifeline may indicate that this change was influenced by the person's physical health or overall sense of well-being. तो ये सारे पॉइंट बताए, लेकिन बाद में ये क्या बोलता है, ये भी बोलता है कि भाई एक डिस्क्लेमर टाइप का है कि ये जो केमिस्ट्री है वो कोई प्रिसाइज साइंस नहीं है, जो आप यहाँ पे इंटरप्रिटेशन देख रहे हैं कि ऐसा होगा ही होगा, लेकिन वो डिफरेंट पॉइंट है, उसको बाद में डिस्कस करते हैं। तो अभी हम लोगों ने देखा क्या कि एक तो लाइफ लाइन के एंड में ये जो फोर्क था उसको ऑब्जर्व किया और एक जो है सनलाइन को ऑब्जर्व किया है। तो दूसरे हाथ में जो है ये सनलाइन यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक ये भी थी पैरेलल, तो टू सनलाइन अगर हो और उससे ब्रांच ऊपर की साइड को जाते हो तब क्या मीनिंग होगा? इफ द ब्रांच फ्रॉम सनलाइन गोज अपवर्ड्स देन व्हाट इज मीनिंग ऑफ इट? सनलाइन को जैसे पहले बताया इसने कि उसका ये जवाब दे देगा कि सनलाइन क्या है, और सन से जो ब्रांच ऊपर की साइड को जाएंगे उनका मतलब क्या होगा? इंडिकेट दैट द पर्सन सक्सेस एंड अचीवमेंट विल कंटिन्यू टू ग्रो एंड एक्सपेंड थ्रू आउट दियर लाइफ। दिस में सजेस्ट दैट पर्सन हैज ए स्ट्रॉन्ग इनर ड्राइव टू सक्सीड एंड इज लाइकली टू टेक ऑन न्यू चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज एज दे अराइज। अपवर्ड ब्रांचेस फ्रॉम द सनलाइन में ऑल्सो इंडिकेट ए स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बिटवीन द पर्सन पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ। दे मे हैव ए स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ पर्पज एंड डायरेक्शन इन बोथ एरियाज एंड मे फाइंड दैट देयर सक्सेस इन वन एरिया कंट्रीब्यूट्स टू देयर सक्सेस इन दी अदर, राइट? अब यहाँ टू जो है सन लाइन्स हैं, तो उनका मतलब क्या हो सकता है? टू सन लाइन्स मीनिंग इन हैंड। तो अब इसका भी मीनिंग देख लेते हैं और फिर देखते हैं कि अगर आपको केमिस्ट्री आती है तो क्या ये जो अभी एक्सप्लेनेशन आ रही है इसके थ्रू वो ठीक है, और अगर ठीक है तो क्या चैट जीपीटी को केमिस्ट्री यूज कर सकते हैं? तो अगर आपको यूज करना है तो आप अपना स्टडी करके आप इसमें लाइन की इंटरप्रिटेशन पूछ सकते हैं कि भाई आपकी लाइन जो होगी उसका मीनिंग क्या होगा। If a person has two sunlines in their hand, it is considered to be a very rare and auspicious sign. This may indicate that the person has a unique combination of talent and abilities that can lead to a great success and achievement. One interpretation of having two sunlines is that person may have dual interest of talents that may can pursue simultaneously. For example, they may have success in both their creative endeavors and their business pursuit. Alternatively, the two sun line may indicate that the person has a strong connection to both their personal and professional life and is able to balance these areas successfully. हथेली पर जो भी रेखाएं हैं, जो भी पर्वत हैं, जो भी चिन्ह हैं और जिस तरीके का भी वहां पर इंडिकेशन है उसको चैट जीपीटी कितने अच्छे से एक्सप्रेस कर सकता है ये अभी आपने देखा, एंड उनका मीनिंग क्या होगा, ये क्या पॉसिबिलिटी होगी उस लाइन की, वो हम सब यहाँ पर देख सकते हैं। आप चैट जीपीटी पर अपने क्वेश्चन जो रिलेटेड टू दी केमिस्ट्री है अबाउट टू दी लाइंस वो आप पूछ सकते हैं और यहाँ देख सकते हैं बिल्कुल डिटेल्ड आंसर। इन कंक्लूजन आई विल से कि जो केमिस्ट्री है दैट इज़ ए वेरी फैसिनेटिंग आर्ट, और हर लाइन का एक मतलब है,
हर लाइन जब किसी एक पाथ को फॉलो करती है या एक वे में चलती है तो उसकी एक इंटरप्रिटेशन है। एज सच कोई साइंस नहीं है, बट व्हेन दी लाइंस बेसिकली फॉलो ए ट्रैक तो उसकी इंटरप्रिटेशन है। तो उसी इंटरप्रिटेशन को पामिस्ट्री में हम लोग देखते हैं। तो यहाँ जो है किसी भी इंडिविजुअल का जो कैरेक्टर है उसको कैसे डिफाइन किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ लाइन, पोटेंशियल उसका पर्सन का क्या होगा ऑन द बेसिस ऑफ लाइन एंड फ्यूचर। सो चैट जीपीटी बेसिकली क्या कर रहा है, एक जो नॉलेज है पामिस्ट्री की उसको एनहेंस कर रहा है, आपकी अंडरस्टैंडिंग को एनहेंस कर रहा है टू लर्न मोर अबाउट टू द लाइन्स एंड माउंट्स ऑफ द पाम। अगर आप पामिस्ट्री में इंटरेस्ट रखते हैं तो लर्न मोर अबाउट टू द लाइन्स एंड माउंट्स ऑफ द पाम। एंड आई होप यू फाउंड दिस वीडियो वेरी इंफॉर्मेटिव एंड हेल्पफुल। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल प्रोवाइड सम इंसाइट अबाउट टू द न्यूमेरोलॉजी एंड द एस्ट्रोलॉजी कि कुंडली क्या ये डिजाइन कर सकता है या केवल लिखकर ही देगा। तो नेक्स्ट वीडियो में कीप वॉचिंग दोस्त थिंग।